युवा वायु है, वही वायु को, यही युवा और ये वायु इनको। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ मिस फिलोमिना और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। और मुझे बुखार होते 4-5 दिन हो गया है और फिलहाल ठीक ही लग रहा है, लेकिन डेंगू पॉजिटिव हुआ है, पर तबीयत वैसे ठीक ही है और बाकी सब नॉर्मल है। और आज मेरी मम्मी आई है राउरकेला में और मेरे साथ है, और इसके साथ साथ में ना कुछ ऐसे बीमार में जब बुखार हो गए कुछ भी रहोगे तो कुछ कुछ ऐसे सोच आता है, कुछ कुछ आप सोचते रहते हैं। मैं भी वैसे ही कुछ कुछ सोचती रहती थी कि बैठोगे अकेले रहोगे तो अजीब सा एक लगता है और अकेलापन भी महसूस होता है, बुखार है तो क्या होगा क्या नहीं, वो सब बहुत सोच आता है कैसा होगा क्या होगा क्या रही थी। और कुछ कुछ ऐसे मैं तो युवाओं के लिए काम कर रही हूँ फ़िलहाल प्रेजेंट में, और युवाओं के साथ, यूथ भाई बहनों के साथ हमेशा जुड़ी रही हूँ और उनके लिए मैं एक संदेश भी देना चाहूँगी और कुछ बात करना चाहूँगी। युवा लोग एक ऐसे हैं, युवा 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 को अगर हम लोग पलटा देंगे, युवा को अगर हम पलटाते हैं, अगर उसको पलट के हम लोग उसको अगर देखेंगे तो युवा क्या होता है? युवा वायु। तो अभी हम युवा हैं तो युवा वायु है, वायु मतलब हवा। तो ये हवा आप बारिश के समय में, आंधी तूफान के समय में आप देखते हैं कि हवा कहाँ से कहाँ जा सकता है और कितना स्पीड से जा सकता है और कैसा जा सकता है। हवा को कोई टच नहीं कर सकता है और हवा को कोई हिला नहीं सकता है, हवा हवा ही हिलता है अपने से। युवा लोग हैं कि युवा को कोई, युवा वायु है, वही वायु को, यही युवा और ये वायु इनको आप किस स्तर में लेना चाहेंगे? वो लोग उसी स्तर में जाएंगे, उसी जगह में जाएंगे। आप लोग उनको, आप कैसे उनको सिखाते हैं, आप उनको क्या सिखाए हैं, आप उनको क्या व्यवहार किए हैं, क्या किए हैं, उस हिसाब से वो लोग अपना ज़िंदगी का रास्ता बनाते हैं। कई लोग अच्छाई के रास्ते में चले जाते हैं, कई लोग बुराई रास्ते में भी चले जाते हैं और कई लोग अपने वैसे ही स्थिर रहते हैं। ऐसा कोई युवा लोग हैं, कई युवा लोग, तो वही युवा वायु को हम अगर अच्छा दिशा दें तो वो वायु अच्छा दिशा में ही जाके अच्छे जगह में रह सकता है। ये हमारा काम है एज अ युवा, अ लीडर, और जो लीडरशिप करते हैं, जो युवा लोग को देखभाल करते हैं, नहीं भी देखभाल करते हैं तो ये बताना चाहिए कि ऐसा मतलब उनको क्या है, वो लोग अपने को कब, उन लोग नहीं जानते हैं तो उन लोगों को बताना है कि आप लोग क्या हैं। युवा हमारे इधर जैसे कि बहुत अलग अलग देश में अलग अलग है, हमारे इधर युवा बोलने से मैं खुद देखी हूँ कि बहुत बड़े हो जाने के बाद हम लोगों को सीखने को कुछ मिलता है, हम सीखते हैं सिखाते हैं, लेकिन अलग अलग जगह में बहुत बचपन से ही मतलब 15 साल 20 साल हो जाता है तभी से वो लोग युवा बन के बहुत कुछ कर लेते हैं। हम लोग के बाद इधर बहुत कम है वैसा, हम लोग युवा इधर 25 साल 26-27 साल तो हम लोग कुछ सिखाने का लायक बनते हैं, सीखने का लायक बनते हैं, वैसा है। और युवा लोग के लिए वही है कि आप लोग, हर युवा एक वायु है, वो आप लोग अंदर और लिख के रखिए कि आप एक वायु हैं, हर एक युवा एक एक वायु हैं। और वो वायु आप कौन सा दिशा में, कितना स्पीड से काम करना चाहते हैं, कितना स्पीड में जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, आप तूफान बन के मचाना चाहते हैं, कौन सा वायु बनना चाहते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देखिए। यही मैं कुछ कुछ देख रही थी कि बुखार में अकेलापन और ये सब चीज़ें आता है, याद आता है,
सोच रही थी कुछ कुछ देर से बात कर लूं बोल के, तो थोड़ा सा बात। और एक बात है कि हम लोग कभी किसी को गलत चीज़ ना सिखाएं, वही बेहतर है। जितना हो सके हम जो जानते हैं और जो कर सकते हैं वो हमको सिखाना चाहिए, और जितना हो सके बातचीत बड़ों से और छोटों से कैसे बात करना वो सब चीज़ जानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बात करने के लिए उसको नहीं आता है, तमीज़ नहीं है क्या, वो होता है। हर आदमी, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, हम लोग में कमज़ोरियाँ भर भर के हैं, और हम लोग कभी गुस्सा होते हैं, कभी कुछ होता है ना प्रॉब्लम, सब में है वो। ऐसा नहीं कि मुझ में है, आप में है और किसी में नहीं, सब में है, गुस्सा है, सब कुछ है। लेकिन एक बात है कि उसको हम लोग वापस से ले सकते हैं, तो वो सब चीज़ कुछ कुछ, मेरा सांस थोड़ा अटक रहा है, तो ऐसा है कि हम लोग सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो वही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि युवा एक वायु है, वायु की तरह काम करना चाहिए। और अभी के समय में, अभी की ये ज़िंदगी, जो दौड़ धूप ज़िंदगी चल रहा है, लाइक अभी जो सुष्मिता मिंज का मर्डर हो गया, जो भी हुआ वो सब अभी चल रहा है, तो उस स्थिति में अभी हर एक युवा को वायु की तरह काम करना है। आपका ज़िंदगी को आप कैसे संभालेंगे और दूसरा का भी आप कैसे संभालेंगे, अपने को संभाल के दूसरा का ज़िंदगी को भी सेफ रखना बनता है। क्योंकि आप अगर खाली आज रहेंगे और दुनिया में आपका दोस्त नहीं रहेंगे, आप कितना खुश रह सकते हैं? तो आपके साथ साथ में दूसरों को भी संभाल के रखना अपना काम है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, तो ऐसा चीज़ है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत हुआ है और बहुत सारा प्रॉब्लम है, और आज मुझे रिज़ल्ट मिला कि मैं जो बुनी थी, बोलते हैं ना, जो जैसे बोओगे वैसे आप पाओगे, मतलब आप जैसे काम करोगे वैसे ही फल मिलेगा। लाइक आज मेरे साथ वही हुआ कि मैं जो क्या बोलूँगी, मेरे लाइफ में मैं आज रियलाइज़ कर रही हूँ कि कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दिया आज, वो मैं भी पहले की थी किसी के लिए, मोबाइल में फ़ोन करके और फ़ोन में प्रार्थना, ऐसा मैं बहुत पहले 2015 या 16 आसपास में मैं की थी। वो है मम्मी पापा, और मम्मी पापा जब वो ईस्टर का समय हुआ रहता था और वे ऑफ द क्रॉस का टाइम था, जबकि मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार थे, और उस समय में दोनों जन, मतलब क्या बोलेंगे, जा नहीं पा रहे थे चर्च, तो मैं उस समय में मम्मी पापा के लिए मैं कुछ ऑप्शन ढूंढी और मम्मी पापा को फ़ोन किया। मैं भी घर में, घर से बाहर थी, तो उस समय में मैं मम्मी पापा को बोली कि आप लोग फ़ोन ऑन कीजिए और फ़ोन में हम लोग प्रार्थना करेंगे, मैं शुरू करूँगी और हम तीनों काम करेंगे प्रार्थना में। तो मम्मी पापा दोनों कैंडल और अगरबत्ती सब जलाए, और मैं फ़ोन में ही उन दोनों के लिए प्रार्थना करती रहती थी और हम लोग तीनों प्रार्थना करते थे। तो आज मैं जब बीमार हूँ तो मेरे लिए भी कोई प्रार्थना किया, वो आज मैं, मुझे मतलब वो दिन याद आ रहा है कि मैं भी किसी के लिए प्रार्थना कर दिया तो उसका फल आज मुझे मिला। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जो बोगे, आप जो बीज बुनोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप गलत बीज बुने हो तो गलत मिलेगा, अच्छा बीज अगर बोए हो तो अच्छा ही फल मिलेगा। और ये सच है, सही है, और सही है 100%, ये एकदम करेक्ट है। तो हमेशा किसी का बुरा ना सोचते हुए हमेशा अच्छा काम करते रहें जो अपने में कभी काम आए।